YouTube की मोटी कमाई आने के बाद मैंने सोचा कि इस दिवाली ना एक नई बाइक खरीद ही लेते हैं। तो अपने मोटा भाई के साथ मैं पहुंच गया यामाहा के शोरूम। शोरूम के अंदर पहुंचने के बाद तो मानो दिल गार्डन गार्डन हो गया था। ये वाली बाइक थी यामाहा एमटी और इसका प्राइस था 2,75,000 रुपए। और ये वाली थी यामाहा R15 और इसका प्राइस था 2,20,000 रुपए। अब हमारा बजट था 2,00,000 रुपए का, तो हमने सोचा ना भतेरी बाइक है और देख लेंगे। फिर दो कदम आगे चलते ही हमको दिखा छपरियों का प्यार, यानी कि KTM धुआं था। अब हमको लग रहा था कि यहाँ पे 1.5-2 लाख की बाइक तो मिली जाएगी, लेकिन यहाँ के प्राइस सुनने के बाद तो मानो फटके हाथ में आ गई। ये वाली बाइक थी 3.5 लाख। मोटा भाई को ये वाली पसंद आई और इसका दाम था 4.25 लाख रुपए। बाहर निकलते वक्त मोटा भाई कहते हैं कि शिवम भाई एक आधी बाइक ना चोरी कर लेते हैं। मोटा भाई ना हमेशा मेरे को फंसवाने वाली आइडिया देता है। यार मेरे को चाहिए थी बाइक में मोटी शील्ड, इसलिए हम लोग पहुंच गए रॉयल एनफील्ड। यहाँ पे एकदम रॉयल वाली फील आ रही थी और मैं तुम्हें हंटर बाइक की आवाज सुनाता हूँ। यहाँ मुझे गोलू मोलू सा हेलमेट भी मिला। इसको देखते ही मोटा भाई ने बोला कि इसको तो चुराई लेते हैं, मैंने सारे के घुमा के दिया। इतनी सारी बाइकें देखने के बाद ना हमारी हालत खराब हो गई थी, तो हम लोग सीधा जाके पहुंच गए मोमोज के ठेले पे। कसम से कह रहा हूँ, तुम इन अंकल के पनीर मोमोज और स्प्रिंग रोल खाओगे ना तुम्हें स्वाद ही आ जाएगा। और ज्यादा स्वाद चाहिए तो